खबर आ रही अजयगढ़ से, जहां पे अजयगढ़ में थाना प्रभारी का हटावे की मांग करी जा रही। आपका बता दे, बजरंग दल के कार्यकर्ता का झूठी केस में फंसावे को आरोप उन पे लगो है। पूरी घटना है 7 अक्टूबर की, जहां पे 7 अक्टूबर के दिन शुक्रवार का वही घटना, जहां पर अजयगढ़ थाना प्रभारी के द्वारा कार्यकर्ता का बुलाव गो और बजरंग दल के जिला सह संयोजक के संगे मारपीट करी गई और कट्टा की धारा उन पे ऊपर से लगा दी गई, जबकि कट्टा जमीन पे डरो हतो। जो पूरा वीडियो फर्जी है, कहे कि वीडियो में साफ दिख रहा हो कि कट्टा नेचे डरो, लेकिन उन पे 25-27 की धारा लगा के उन्हें दोषी करार दोगे। और ये पूरे मामला में जब कार्यकर्ता ने एसपी साहब से बात करी, तो एसपी साहब को साफ शब्द में कह बोलते कि वीडियो तुम उनका नहीं दिखा सकत। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला सह संयोजक अजय नामदेव पे धाराएं जो लगाई गई वो बेबुनियादी हैं, झूठी हैं, जिसके बाद में उनके कार्यकर्ता हैं और विश्व हिंदू परिषद जिला सह संयोजक हो गए और अन्य जने मातृशक्ति की टीम पूरी इनको कहवो हतो कि अगर टीआई अजयगढ़ खान ट्रांसफर नहीं करोगे, नहीं हटाओगे, तो फिर पन्ना में भाजपा कार्यालय को घेराव कर भी, मुख्यमंत्री को पुतला दहन कर भी, जिसके बाद में अगर उग्र प्रदर्शन होते तो ईगल आने जिम्मेदार खुद अधिकारी हुई है। विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री रंजीत सिंह परमार, मातृशक्ति मालती रैकवार, प्रांत संयोजिका कल्पना सिंह इस दौरान मौजूद रहे। और क्या निर्णय लिया गया है आज की बैठक में? विश्व हिंदू परिषद के अजय नामदेव के ऊपर टीआई द्वारा उसको घर से बुलाया गया, अपोजिट पार्टी के द्वारा उसकी मारपीट की गई और टीआई साहब ने स्वयं मारपीट की, और वो जब वो भागा तो टीआई साहब और अपोजिट पार्टी के लोगों ने जमीन में कट्टा फेंक दिया और झूठा कट्टा का आरोप हमारे कार्यकर्ता के ऊपर लगा दिया। क्या अगर मतलब आप लोगों की जो मांग की गई थी वीडियो दिखाने की, तो क्या निर्णय दिया उन्होंने? एसपी साहब से हमने मांग की कि हमको पूरा वीडियो दिखाएं, तो उन्होंने कहा कि हम जो है ये वीडियो नहीं दिखाएंगे। हमने भारतीय जनता पार्टी एवं शिवराज जी सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट टीआई को तत्कालीन पीएचक्यू भेजा जाए, जिससे कि नगर की जनता या अन्य जगह की जनता ये जाकर फर्जी मुकदमा न बनाए। ऐसे भ्रष्ट टीआई को हटाना चाहिए अजयगढ़ से। अगर नहीं हटाते तो क्या कदम होगा? अगर वे नहीं हटाते हैं तो हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का घेराव करेंगे और विभाग लोगों का पुतले भी फूकेंगे और अनशन रखेंगे। आपका नाम और पता? मेरा नाम रामचंद्र गुप्ता, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। 7 अक्टूबर को अजयगढ़ प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के जिला सह संयोजक अजय नामदेव के साथ जो घटना घटी है, उसमें हम लोगों ने 10 तारीख को विज्ञापन भी दिया था कलेक्टर के नाम से, जो उसका कोई अभी समाधान नहीं हुआ है और वो लड़के का भी पता नहीं है जब से कि कहाँ पर है कहाँ नहीं है। उसके माँ बाप भी बीमार हैं घर में, पिताजी 2 साल से बीमार हैं, जो वही करता था घर में। बड़ी भाभी को बच्ची हुई है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, फिर भी न आपके जो टीआई साहब हैं ना वो ध्यान दे रहे हैं, आपके एसपी साहब ध्यान दे रहे हैं। और जो टीआई साहब से जो बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वो अजय नाम दो अपना वो कट्टा लेके चैम्बर में लहरा रहा था, तो हमें तो ऐसा कहीं नहीं दिखा है जो उन्होंने कहा। मैंने कहा भैया इतना झूठ मत बोलो, ऐसी झूठ अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से जो आपने इस तरह से बोला है। अगर वो लहरा रहा था तो आपके पास वीडियो है क्या? तो वो लेना ही हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो वीडियो उन्होंने हमारे पास भेजी थी वो जमीन पर पड़ा हुआ है, जो झूठा नाम लगाया गया उसका, ये उचित नहीं है। अगर इस तरह से कार्रवाई नहीं कर पाएंगे वो, तो फिर हम लोग अपने आगे जाके जो भी हम लोगों को करना होगा वो करेंगे। क्या नाम है आपका, कौन सा पद? मालती रैकवार, विश्व हिंदू परिषद की प्रांत संयोजिका। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी आपके सुनहरे भविष्य के निर्माण में आपका साथ देने के लिए, क्योंकि हमारा संकल्प है आपके भविष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। तो आज ही संपर्क करें और प्रवेश लें बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी में, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी।